मिस्टर चौहान, मैंने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी। आपके सारे मुजरिम हाजिर। तब नहीं, अभी इनका बॉस बाकी है। यस साहब, बॉस को छोड़कर बाकी सारे मुजरिम हाजिर हैं। बिहेव योरसेल्फ बाबा। मैं आंख मारने वाला राय बहादुर नहीं, मैं सीआईडी चीफ डीडी चौहान हूँ। सीआईडी चीफ? जी हाँ, ये जानकर आपको तकलीफ तो हुई होगी, मगर सीआईडी के काम होते ही ऐसे। मगर ये कैसे हो सकता है, ये तो वो चोर है जो उस रात। बिल्कुल ठीक, मैं वही चोर हूँ जो उस रात तुम्हारे घर पर चोरी करने के लिए आया था। मगर मेरा मकसद चोरी नहीं था, बल्कि तुम्हारे चालाक दिमाग में एक स्कीम भरनी थी, जिस पर चलकर तुम मेरे हम शक्ल राय बहादुर को अपने रास्ते से हटा सकते थे और अपनी स्कीमों में कामयाब हो सकते थे। मगर वो चेक, वो लाखों की गड़बड़, ये सब कुछ तुम पर एतबार जमाने के लिए किया गया था, क्योंकि आज की दुनिया में चोर को पकड़ने के लिए चोर बन पड़ता है। अब ये बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ है? तुम्हारे आदमी आशा को कहाँ लेंगे? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है अमर। तुमने अगर हमारा साथ दिया तो शायद थोड़ी बहुत सजा काट कर तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी जगह फांसी के तख्ते पर होगी। बगैर किसी शगो चुबे के ये साबित हो चुका है कि रंजीत के खूनी तुम हो। तुमने जिस सलाह से उसे कत्ल किया है, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद है। बोलो, तुम्हारा क्या जवाब है? ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। उस बेरहम कमीने बॉस का साथ देकर ही तो इस हाल तक पहुंचा हूं। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कीजिए, वरना आशा की जिंदगी खतरे में है। जाइए, चलो। घबराओ नहीं, तुम पुलिस के पंजे से आजाद हो। ये वो जगह है जहां कानून का परिंदा पर नहीं मार सकता। कौन है तुम? सामने आओ। दो बार तुम मेरी सूरत देख चुकी हो आशा, लेकिन तीसरी बार देखने के बाद या तो मेरा बन जाना पड़ेगा या हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर आपका साथ दिया है, अब तो मेरे जुर्म माफ हो जाएंगे ना? बिल्कुल माफी तो नहीं होगी, लेकिन सजा कम से कम जरूर हो जाए। खबरदार, जो आगे बढ़े मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बेशक पी जाओ, लेकिन दिल की प्यास तो बुझा दो। मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा। ये दौलत, हीरे जवाहरात सब तुम्हारे हैं। अगर मेरी नजरों में दौलत की कोई कीमत होती तो मैं उसी दिन तुम्हारे हाथों में बिक गई होती, जब मैं तुम्हारे दफ्तर में नौकरी मांगने आई थी, जब मेरी बीमार माँ अपना दम तोड़ रही थी और तुम मेरी इज्जत की बोली लगा रहे थे। आशा, पैसा जिंदगी में हर वक्त काम आता है, और मैं तो तुम्हें दौलत के साथ साथ प्यार भी दे रहा हूँ। तुम्हारी दौलत और प्यार दोनों पर मैं झूठी हूँ। बदतमीज, तेरी ये मजाल, मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। तू क्या मुझे खत्म करेगा? तेरे नापाक हाथों निभाने से पहले तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, वो बॉस का बच्चा जब आपको मेरे साथ देखेगा तो उसका खून खौल जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब कि उसकी मौत मेरे ही हाथों से हो? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आशा, बेवकूफ ना बनो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। जो जिंदगी इज्जत के लिए मर मिटती है वो अमर हो जाती है। यही वो जगह है। मेरा ख्याल है कि आपके सिपाही इस जगह को चारों तरफ से घेर ले तो बेहतर रहेगा। मुंबई का बोल साहब, बस सर, चला आइए आप लोग। ये क्या? एक पेशावर खूनी इतनी आसानी से नहीं बदल सकता इंस्पेक्टर। ये तो मेरी सिर्फ चाल थी अपने बॉस तक पहुंचने के लिए। थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन ये
मिस्टर अमर, मैं जानता था तुम कोई ना कोई चालाकी जरूर करोगे। इसमें गोलियां नकली हैं। रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। सीधी तरह अपने बात के पास चलो। फांस हो चुका है, मगर तुम तो मर चुके थे मेरे हाथों से, मेरी गोली से। वो गोलियां नकली थी और इसकी मौत एक ढोंग था, तुम्हारे जिगरी दोस्त और हर जुर्म के हिस्सेदार मिस्टर सिंह का रचाया हुआ। वो इतना चालाक था कि तुम जैसे होशियार आदमी को भी उल्लू बना गया। उसने जो कुछ करवाया तुमसे करवाया, ताकि जब पकड़े जाओ तो तुम पकड़े जाओ। हमारी खोज खत्म हो चुकी, इन दोनों को एक साथ हथकड़ियां पहना दो। इंस्पेक्टर साहब, सीबीआई मिस्टर विनोद, अब तो मुझ पर रंजीत के खून का इल्जाम नहीं। मिस आशा, आप रंजीत के खून के इल्जाम से तो बरी हो गई, लेकिन एक संगीन जुर्म आपके सर और लग गया है। वो क्या? इनके दिल को चुराने का जुर्म, और उसकी सजा ये है कि आप जल्द से जल्द शादी की हथकड़ी पहन लीजिए। जरूर, वो हथकड़ी आप पहनाएंगे कि मैं पहना दूं? ले जाओ लोगों को। आपको याद होगा मैंने एक दिन आपसे कहा था, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझना और दूसरों को बेवकूफ बुरा टाइम का निशानी है। हमारा फोर फादर ऐसा बोलता होता है। टाटा टाटा। लोगों को उनके घर तक पहुंचा दूं। मैंने तुझसे किया है प्यार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा। तू लाख करे इनकार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा।